फेसबुक अकाउंट लॉक है, ओपन नहीं हो रहा, कन्फर्म योर आईडी वाली प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से आप नहीं ओपन कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो कंटिन्यू देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपका अकाउंट आसानी से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में आना, यहाँ पर ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर फेसबुक लॉगिन सर्च कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट को यहाँ पर, मैं जिस अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है उस अकाउंट को मैं सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर इस अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इस अकाउंट को क्या किया हूँ यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। यहाँ देख सकते हो अकाउंट है जो कि यहाँ पर क्या है, ये अकाउंट है जो कि लॉक, देख सकते हो। और जब इसमें दोस्तों आगे बढ़ता हूँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करके, तो इसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है गेट ए कोड ऑन योर फोन का। तो सबसे फर्स्ट में मैं इस अकाउंट क्या करता हूँ, अकाउंट को अनलॉक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताऊँगा कि आपको मैं भी इस प्रकार के ऑप्शन कैसे जल्दी में आएगा, या कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है, ईमेल का, फ़ोन नंबर का, डेट ऑफ बर्थ का, या कोई भी ऑप्शन आ सकता है जिसकी मदद से आप अपना अकाउंट है जो कि आसानी से ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ गेट कोड के थ्रू, इस अकाउंट को क्या करता हूँ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गेट कोड पर मैं यहाँ पर क्लिक किया हूँ, और है जो कि यहाँ पर कोड आएगा दोस्तों, तो कोड यहाँ पर जिनका भी है अकाउंट उससे है जो कि मैं कोड ले लेता हूँ। इंस्टाग्राम मेरा फॉलोवर्स है, इंस्टाग्राम इन्होंने जो कि अकाउंट दिया था, तो मैं यहाँ से कोड है जो कि यहाँ पर ले लिया हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेने के बाद इसका अकाउंट है जो कि ओपन करके इनको मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है जो कि सबमिट कर देता हूँ कोड, और कोड सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट है जो कि कन्फर्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये डिटेल वगैरह शो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं अकाउंट को सिंपली क्या किया हूँ, अनलॉक यहाँ पर कर लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अकाउंट अभी सक्सेसफुली क्या हुआ, ये अनलॉक हो चुका है यहाँ पर देख सकते हो। तो बैक टू फेसबुक पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट क्या हुआ, सक्सेसफुली ये अनलॉक हो चुका, ठीक है। यहाँ पर ये अकाउंट आराम से अनलॉक हो गया, कुछ भी हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ा, कोई भी आईडी प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में सर्च करेंगे फेसबुक लॉगिन इशू, ठीक है, लॉगिन इशू ये वाली, ठीक है। आप सर्च करोगे और यहाँ पर थोड़ा सा आप है जो कि नीचे चला होगा, यहाँ पर आपको है जो कि एक ऑप्शन दिख रहा होम पेज और न्यूज फीड का, इस पर आपको क्लिक करना, रिपोर्ट ए एस विथ होम पेज, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, आपको लिखना माय अकाउंट, माय फेसबुक अकाउंट लॉक्ड, ठीक है। कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस में कोई भी ईमेल आप एड्रेस डालोगे तो बेहतर रहेगा, कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो, फेसबुक वाला डालोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर फेसबुक में ईमेल एड्रेस नहीं है तो कोई भी ईमेल कॉन्टैक्ट ग्रुप में यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये भी। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब कर देना अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, हेलो फेसबुक टीम, और यहाँ पर माई फेसबुक अकाउंट लॉक ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी एंड गेटिंग कन्फर्म योर आइडेंटिटी, जो भी आप में आ रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम हो रही उसके बारे में यहाँ पर कन्फर्म योर आइडेंटिटी इन इट, ठीक है। और अपने अनुसार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आई डोंट हैव, अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो ये लिख सकते हो, गेट कोड चाहिए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज गिव मी एनी अदर ऑप्शन थ्रू विच आई कैन अनलॉक इट, ठीक है। इतना लिखने के बाद माई फेसबुक डिटेल यहाँ पर लिखना, उसके बाद यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है फेसबुक वाला, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है फेसबुक वाला, ईमेल एड्रेस नहीं है फ़ोन नंबर तो होगा तो फ़ोन नंबर डालें, दोनों है दोनों डालिएगा, यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटर जो भी आप जिस कंपनी का सिम यूज करते हो, नेटवर्क प्रोवाइडर उसका यहाँ पर आपको दे देना, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, जो भी है। और यहाँ पर चूज फाइल में आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपको लॉक की होम पेज वाला आपको स्क्रीनशॉट आपको डालना है, ठीक है। यहाँ इस प्रकार के जो स्क्रीनशॉट होते हैं इस प्रकार के, आपको क्या करना है ऐड करना, ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद ऐड यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपली क्या करना है सेंड पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद 24 आवर्स तक आप वेट कर लीजिए,
ठीक है, आपका अकाउंट आसानी से ओपन हो जाएगा गेटवे पोर्ट के थ्रू, या है जो कि ईमेल का ऑप्शन चलाएगा, या नंबर का ऑप्शन चलाएगा, या डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन चलाएगा, या किसी किसी केस में क्या हो सकता है डायरेक्ट भी ओपन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को आसानी से ओपन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओपन नहीं हो रहा तो मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं।